तो दोस्तों कैसे हो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज मेथड ऑफ वाउचिंग नंबर इन टेलीप्राइम। दोस्तों हम क्या करते हैं, जब भी हम वाउचर एंटर करते हैं तो हमें वाउचर नंबर जरूरी होता है हर वाउचर के अंदर। तो दोस्तों उसे हम कैसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक भी हो सकता है, ऑटोमेटिक के साथ हम मैनुअल भी कर सकते हो या टोटल ही मैनुअल कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू। या आप प्रिवेंट कर सकते हो कि एक से जो वाउचर एंटर हो चुका है उसकी डुप्लीकेशन ना हो, तो कैसे कर सकते हैं दोस्तों। उसके लिए हम चलते हैं टैली प्राइम के ऊपर। तो सबसे पहले हमें गेटवे ऑफ टैली, फिर ऑल्टर, फिर वाउचर टाइप। जैसे सेल्स वाउचर है तो एक एक करके समझते हैं। सेल्स वाउचर है तो यहाँ से सीधा हम थर्ड ऑप्शन पे, सॉरी फोर्थ ऑप्शन पे आ जाते हैं। यहाँ से 1 2 3 4 फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, ऑटोमेटिक। सबसे पहला मेथड ऑफ वाउचिंग नंबर, कि जो आपके वाउचर का नंबर आएगा वो ऑटोमेटिक आना चाहिए या कैसे आना चाहिए, ऑटोमेटेड मैनुअल ओवरराइड आना चाहिए, मैनुअल आना चाहिए, मल्टी यूजर ऑटो आना चाहिए, कैसे आना चाहिए। तो सबसे पहले ऑटोमेटिक को समझते हैं। जैसे ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक पे क्लिक किया, ऑटोमेटिक। अब ये पूछता है यूज एडवांस कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो यस कर दो। अब कॉन्फ़िगर आपका नंबर कहाँ से होना चाहिए, एक से स्टार्ट होना चाहिए। अब ये पूछता है कि विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट कितनी आनी चाहिए, 1 से 5 तक आना चाहिए, 1 से 3 तक आना चाहिए, कितना आना चाहिए, है ना। 5 अक्षर आने चाहिए उसमें, है ना, जो नंबर वाले हैं वो 5 आने चाहिए, 6 आने चाहिए, ठीक है। प्रीफिल विद जीरो, जीरो किसके साथ करना चाहते हो, प्रीफिल जीरो के साथ वाउचर बनाना चाहते हो तो नो, तो नो, यस है तो यस। अब कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो ये चीज़, 1 अप्रैल से कहाँ तक करना चाहते हो, 1 ईयर, हर बार 1 ईयर, और फिर वापस से रिपीट हो जाए, ठीक है, ठीक है। फिर एंटर, फिर एप्लीकेबल फ्रॉम, प्रीफिक्स लगाना चाहते हो। जैसे क्या होता है, आपकी कंपनी का नाम है, जैसे मान लो 1/4 से मैंने स्टार्ट किया, अब प्रीफिक्स लगाना चाहते हो तो क्या लगाओगे। जैसे मान लो मेरी कंपनी का नाम है RCK प्राइवेट लिमिटेड है, तो मैं RCK की मेरा कंपनी का प्रीफिक्स लगा सकता हूँ मैं, और साथ में डैश भी लगा सकता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद सफिक्स लगा सकते हो, सफिक्स मतलब जो पीछे लगता है, पीछे जैसे 1 2 3 4 नंबर आएगा उसके पीछे कुछ लगाना चाहते हो तो वो यहाँ लिख सकते हो, एक जहाँ से स्टेट मैं नहीं लगा रहा, सफिक्स कुछ नहीं लगा रहा। और मैं क्या करता हूँ, इसे एंटर कर देता हूँ और यहाँ से एक्सेप्ट कर लेता हूँ, एक्सेप्ट। अब वाउचर में चले, सेल्स वाउचर एंटर करते हैं यहाँ से वाउचर। तो देखो सेल्स वाउचर के अंदर आ गया मैं, सेल्स वाउचर के अंदर देखो RCK डेस और वन, वन से स्टार्ट हो गया, ठीक है, वाउचर नंबर। अब देखो दूसरा समझते हैं, ऑल्टर करते हैं, दूसरा वाउचर टाइप और सेल्स, सेल्स ये लो, दूसरा समझते हैं। अब समझते हैं ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड मतलब जैसे ऑटोमेटेड तो आएगा ही आएगा, लेकिन मान लो बीच में कहीं पे ओवरराइड कर दिया आपने, जैसे 1 2 3 4 5 तक चले आपके, है ना, ऑटोमेटेड 5 तक आ गए, फिर आपने सीधा ही 8 नंबर डाल दिया, तो आगे जब भी वाउचर ऑटो जनरेट होगा ना वो 8 के बाद का होगा, ना कि 5 के बाद का नहीं होगा, 8 के बाद का, 9 10 11 वहां से जनरेट होगा, तो वो भी कर सकते हो। और उसके अंदर डुप्लीकेशन रोक सकते हो तो यस कर दो, क्योंकि ऐसे में डुप्लीकेशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि आपने 5 के बाद 8 दबा दिया वहाँ पे वाउचर में, तो डुप्लीकेट हो सकता है, तो डुप्लीकेट को रोक सकते हो। यूज एडवांस कॉन्फ़िगर कर सकते हो यहाँ से यस, और वही चीज़ें जो मैंने समझाई है वो चीज़ें डाल सकते हो। यहाँ से कंट्रोल ए कर देते हैं और इसे सेव करके देखते हैं वाउचर को एक बार कैसा लगता है ऑटो ओवरराइड के साथ। देखो RCK 5 आ रहा है, ठीक है ना। और जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया, अब देखते हैं एक वाउचर एंटर कर लेते हैं, जैसे केस मीमो, केस से वाउचर एंटर कर लेते हैं, ठीक है, ये लो, एक सेकेंड, सेल्स 12 और आलमंड्स 1 किलो और रेट मान लो 100 रुपये, जो भी एक बार लगा लेते हैं, हमें तो हमारी SGST CGST, ठीक है। ये जैसे मान लो मैं एक वाउचर सेव कर रहा हूँ, अब इसके बाद का देखते हैं कि 5 के बाद आया या 10 के बाद आया। यहाँ पे देखो 10 के बाद का वाउचर 11 नंबर आया है, ना कि 5 के बाद का, ठीक है, तो नहीं तो यहाँ पे 5 के बाद का आना चाहिए था, नहीं आया ना, तो 10 के बाद का आया, तो ठीक है। अब ये वाउचर एक बार मैं काट देता हूँ, और एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी दोस्तों किसी वाउचर के नंबरिंग में चेंज करना है तो आपको याद रखना है कि आपके उस लेजर के अंदर कोई भी वाउचर एंटर ना हुए हो, मतलब सेल्स वाउचर के अंदर कोई भी वाउचर एंटर नहीं होने चाहिए, अदरवाइज कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तीसरा आ जाओ, ऑटोमेटेड मैनुअल ओवरराइड समझ गए, ठीक है। अब बात करते हैं मैनुअल, मैनुअल के अंदर तो नॉर्मल आप सीधी सीधी बात है कि आप जो भी नंबर डालना चाहो, अपनी इच्छा से डालना चाहते हो मैनुअल, तो वहां से मैनुअल हो गया। फिर यहाँ से मल्टी यूजर, मल्टी यूजर को और समझा देता हूँ। मल्टी यूजर मतलब दोस्तों
काफ़ी बार क्या होता है कि हमारी कंपनी बड़ी होती है तो एक से ज़्यादा अकाउंटेंट होते हैं हमारे पास। अब क्या होता है कि पांच अकाउंटेंट है जो सेल सेल को संभालते हैं, ठीक है ना, या 50 है, जैसे मान लो चलो ट्रेवलिंग, मान लो ट्रेवलिंग, मान लो ट्रेवलिंग कंपनी है। अब उसकी मान लो कितने बंदे होंगे जो टिकट जनरेट करते होंगे। अब मैं ये तो है नहीं कि उनका एक एक सबका अलग अलग वो टिकट नंबर एक से स्टार्ट करें, है ना। तो उसके लिए क्या होता है, मल्टी ऑटो जनरेट होता है, ठीक है, मल्टी यूजर ऑटो। उसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो एक यूजर ने 5 तक के वाउचर जनरेट किए, एक से लेकर 5 नंबर तक के। अब मान लो दूसरा अकाउंटेंट वाउचर जनरेट करेगा तो 6 नंबर का ही होगा, है ना, 5 के बाद का ही होगा, एक से स्टार्ट नहीं होगा। तो मल्टी यूजर ऑटो इस काम में आता है। चलो एक बार देखना है तो मैं दिखा सकता हूँ, एडवांस कन्फिगर कर लेते हैं वही RCK के बाद। ये मैंने बता दिया था आपको, और यहाँ से एक बार सेल्स वाउचर थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। ऐसे वाउचर यहाँ पे देखो, यहाँ के RCK ऑटो, ठीक है, ऑटोमेटेड आ गया ना, ठीक है, यहाँ ऑटो लिखा है। अब जैसे आप यहाँ से करोगे और दूसरा अकाउंटेंट करेगा ना इसके बाद, है ना, तो उसके बाद ही आएगा, 2 नंबर ही आएगा, ठीक है। यहाँ से सेल्स और ये मल्टी। अब मान लो आप चाहते ही नहीं हो, नन करना चाहते हो तो नन भी कर सकते हो कि मेथड ऑफ वाउचिंग नंबर आना ही नहीं चाहिए भैया, तो कंट्रोल ए और वाउचिंग नंबर कोई आएगा ही नहीं, ठीक है। ये लो यहाँ से देखो, सीधा यहाँ से वाउचर नंबर ही हट गया, आएगा ही नहीं सीधा ही बस। तो पर मैं तो मानता हूँ कि थोड़ी सी अकाउंटिंग को कॉम्प्लिकेट रखो यार, क्योंकि ये आपकी कंपनी में गड़बड़ होने के कम चांसेस हो गए, तो उस चीज़ को एनेबल ही रखो। सॉरी, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से था हमारा, आपको समझ आ चुका है, मैं काफ़ी बार कर चुका हूँ यही यही चीज़। आपकी कंपनी में गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। सो कैसा लगा वीडियो, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने कमेंट नहीं किया है तो कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। थैंक यू दोस्तों।